आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति द्वारा जब को सिखाऊंगी दो लघु कथाएं। ये मेरा पार्ट टू है सेठ का चित्र, और पार्ट वन का जो लेक्चर है हरा घोड़ा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे चेक कर सकते हैं। तो जो सेठ का चित्र है इसमें भी अकबर है, बीरबल है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो थर्ड कैरेक्टर कौन आते हैं, जो यहाँ पे फोटो वगैरह दिख रही है उसको हमें समझना है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर ला। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। झूठ, सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमानी हैं, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9-9 रत्न है, आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये लेसन में है अकबर और बीरबल। फर्स्ट वाले पार्ट में भी आपने देखा कि बीरबल ने कितनी बुद्धिमानी से अपना उत्तर अकबर को दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप चेक करना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। ठीक है, अब सेठ का चित्र में क्या है, एक उन्होंने बताया एक आदमी था, सेठ था। ठीक है, उसने क्या किया, अपना चित्र बनाया, अपनी फोटो बनाई। ठीक है, अपने अगर कभी यहाँ पे गए होगे चर्च गेट वगैरह साइड में, तो ऐसे वो ड्राइंग्स बनाते हैं, आप सामने खड़े रहो, है ना, ब्लैक पेंसिल वगैरह से स्केच आपका बना देते हैं ना, इसी टाइप का उन्होंने एक चित्रकार को बुलाया और बोला उस सेठ ने कि मेरा क्या करो, आप चित्र बना दो। तो उसने देखा सेठ ने, तो उसने बोला अच्छा नहीं है। होता है कभी कभी आदमी सोचता है कि मैं ऐसा थोड़ी ना दिखता हूँ, मेरा चेहरा मोटा कर दिया, मेरा चेहरा पतला कर दिया, या मेरा हेयर स्टाइल सही नहीं बनाई, या मेरी आंखें सही नहीं बनाई, जो भी उनको कुछ कमी लगी सेठ ने बोल दिया, तो चित्रकार ने भी मान लिया। क्योंकि एक हकीकत, फोटो तो क्लिक नहीं कर रहे, हाथ से बना रहे, तो 19-20 की गलती तो हो ही जाती है। चलो, तो उसने भी मान लिया होगा कि हो सकता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने बोल दिया, ये कॉमन सेंस है। उसने क्या किया, चित्रकार ने फिर से ड्राइंग बनाई उनकी, सेठ की, उसे पसंद नहीं आया। ऐसा वो कई बार हुआ है ना, इसलिए देखो उन्होंने एक चीज लिखी कि ऐसा क्या हुआ, चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, कई मतलब बहुत बार ऐसे बनाए, लेकिन हर बार सेठ बोलता कि नहीं नहीं ये चित्र सही नहीं है। एक दिन क्या हो गया, जो चित्रकार है भाई उसको भी तो गुस्सा आएगा जब वो काम कर रहा है, या तो वो चित्रकार नहीं होगा, एक मान के चलो, अगर चित्रकार को गुस्सा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो सही है ना, तभी उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं इतने चित्र बना रहा हूँ और इन्हें पसंद ही नहीं आ रहे। क्योंकि देखो जिसको जो काम आता है, हो सकता है कि इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती नहीं होगी, तीसरी बार गलती नहीं होगी, और वो बनवाए भी जा रहे, अगर उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा तो वो फिर ड्राइंग क्यों बनवा रहे थे, बातें बहुत सारी उठ के आती है ना। तो उन्होंने को चित्रकार को जब गुस्सा आ गया तो उसने बोला कि अभी आप, मैंने जितने भी आपके चित्र बनाए उन सब के आप पैसे मुझे दे दो। लेकिन वो कैसा था कि वो बोलते ना इतना कंजूस था, वो एक दमड़ी भी नहीं देता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, कौड़ी धेले पाई कौड़ी, है ना, ये पहले आपने पढ़ा होगा, उसके बाद ही 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, अब आप तो 10 रुपये पॉकेट मनी आपकी बल्कि ज्यादा ही चलती होगी, है ना। तो वो थोड़ा सा भी ना पैसा खर्च नहीं करता था। तो वो जो चित्रकार था वो इतना परेशान हो गया ना कि अभी मतलब वो करे क्या, क्योंकि उसने मेहनत की और मेहनत का मेहनताना मीन्स उसके रिटर्न में जो उसको मनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल रही थी, और एक क्या होता है ना उसकी क्रिएटिविटी को भी बोलते ना वैल्यू नहीं करी जा रही थी। तो वो परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। देखो इस सेंटेंस को समझना पहले कि उन्होंने ये जो लिखा है लेसन घुमा के बात बताई है ना। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई, यानी किसने बात पूछी, पत्नी ने पूछी, क्या पूछी भैया, परेशान क्यों। ठीक है, तो क्या होता है जब कोई चीज घुमा के आपको पूछी जाती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी ये परेशानी है, एक सेठ है, मैं उसके कई बार चित्र बना चुका हूँ और उनको वो चित्र पसंद नहीं आता है और वो मेरा मेहनताना भी मुझे नहीं दे रहे। तो वो जो लेडीज थी वो क्या थी, काफी बुद्धिमान थी, उसका जो दिमाग था ना काफी तेज था। ऐसा बोलते मैंने कि लेडीजों का दिमाग काफी तेज रहता है, वो एक अलग बात है कि जोक में है ना उनके बारे में गलत गलत जोक्स बना दिए जाते हैं, मजाक कर दिए जाते हैं, लेकिन एक पत्नी, एक माँ, एक बहन जो है ना वो बहुत कुछ अपने परिवार के लिए कर सकती है, अगर आप उसको परफेक्ट तरीके से रिस्पेक्ट दोगे तो। ठीक है, चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। उसने बोला कि आप दरबार में जाइए। देखो जैसे अभी कोर्ट कचहरी होती है कि अगर चेक बाउंस हो गया, किसी ने किसी साथ गलत कर दिया तो पुलिस में जाके केस कर देते हैं, है ना, पुलिस में बोलते हैं रपट लिखवा दो, इसकी केस दर्ज करा दो। तो ऐसे उन्होंने उसकी वाइफ ने बोला कि आप क्या करो, दरबार में जाओ,
है ना, दरबार में जो और अकबर के सामने जो है आप और सारे रखो, उधर नौ नौ रत्न है, ये भी हम इंग्लिश में लेसन पढ़ते हैं ना कि 9th 12th से, तो उसमें से जो सबसे बुद्धिमान है वो है बीरबल, है ना, तो उधर आप जाओ वो आपके बारे में बताएंगे। तो लेकिन वो जो चित्रकार था तो उसका कहना क्या था कि देखो अभी कोई जो कोर्ट कचहरी में भी जाता है तो बोलते ना अरे बहुत सारा पैसा लग जाएगा, आपस में रफादा फा कर दो, ऐसे ही चित्रकार का कहना था कि अगर वो वहां जाता है न्याय मांगने के लिए जाता है अकबर के पास, तो लोग क्या करेंगे, पढ़े लिखे की बात सुनेंगे, बड़े आदमी की बात सुनेंगे, मेरा कोई क्यों मानेगा, मैं तो छोटा आदमी, क्योंकि चित्रकार है कोई बहुत बड़ी, बहुत बोलते ना बहुत बड़ी पोस्ट तो है नहीं, लेकिन कलाकार कलाकार होता है, जिसको कला की कीमत पता होती है तो वो कौन सी भी श्रेणी में आए ना उसकी वैल्यू करता है, ठीक है, लेकिन उसको अपने मन में डाउट था कि मेरी बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। लेकिन पत्नी बोली कि नहीं आप क्या करो सहायता के लिए अकबर के दरबार में जाओ। दूसरे दिन चित्रकार बच्चा अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया, सेम चीज़ उसने अपनी पत्नी को बताया था, सेठ ने ऐसे ऐसे किया, ऐसी पत्नी के कहने पे वो अकबर के दरबार में गया और उसने पूरा किस्सा सुना दिया कि एक सेठ है वो बार बार मेरे चित्र बनवाता है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है, आप मेरे लिए क्या करो न्याय करो। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया, तो उन्होंने बादशाह ने अकबर ने बोला कि इसको बुलवाया जाए, किसको, सेठ को बुलवाया जाए। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है, ठीक है, बादशाह ने उनसे पूछा भाई बताओ इस चित्रों में तुम्हें क्या कमी लग रही है, आंख सही नहीं लग रही, नाक सही नहीं लग रही, मुंह सही नहीं लग रहा, क्या चीज सही नहीं लगी है ये तो बताओ। जैसे हम सेल्फी लेते तो हम बोलते हैं ना कि अरे आंख बंद आई है, ठीक है, अरे ये पोज बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, ऐसे हम अपना डिस्कस करते हैं, ऐसे उनको जो डिस्कस करना होगा वो डिस्कस कर रहे थे। हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा, सेठ ने कहा, ठीक है, वो जो सेठ है वो अकबर को बोलता है कि हुजूर ये क्या है, इसमें से जो चित्र जो इस आदमी ने बनाया है चित्रकार ने वो हूबहू एज इट इज, मतलब सेम टू सेम नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें, अब वो बोले कि अब ये बोल रहा है इसको सेम टू सेम लग ही नहीं रहा है तो अभी न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। देखो आप सोचो, मैंने अपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा और अब ये वाले वीडियो में भी आपने एक चीज देखी, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था तो रिपीट करती हूँ, जो ये सुन रहे हैं जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बोल देती हूँ कि जो बीरबल थे वो बहुत बुद्धिमानी थे, ठीक है, ये हम सब पहले से सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे, इंग्लिश के लेसन में भी पढ़ते आ रहे, हिंदी के फर्स्ट लेक्चर में भी हमने सुना पार्ट वन में, है ना। तो सोचो कि अकबर में भी कितना दिमाग होगा जो उनको अपॉइंट किया, है ना। तो लेकिन जब अकबर भी कंफ्यूज हो गए कि अरे ये क्या चीज है कि इसको ये पसंद नहीं आ रहा है और चित्रकार ने इतने सारे चित्र बना दिए तो इसका न्याय तो करना पड़ेगा ना, तो ये तुरंत समझ गए हैं कौन, बीरबल समझ गए कि ये चेहरा बदलने में क्या है, निपुण है, मींस बहुत मास्टर है, चित्रकार को पैसे ना देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है, उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है, कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है वह देश में विख्यात होता है, इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं, ठीक है। अब देखो जो सबसे अच्छी चीज इस लेसन में है हमारे देश के लिए जो है कहानी का तो अंत होएगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन बेटा ये लाइफ में हमेशा याद रखना कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। यानी देखो किसी भी चीज की अंदर कला, जिसके अंदर जिस भी चीज की कला हो, ठीक है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कला हर आदमी के अंदर नहीं आती है। कोई काम करना और कला होना दोनों में अंतर है। जो आप अपने घर चलाने के लिए किसी भी चीज को कर रहे हो, है ना, कोई बोलते ना कि गाड़ी चला रहा है ना, कोई पढ़ा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है ना, काम करना एक अलग है और उस चीज को बारीकी से करना, उसकी गहराई तक जाना, है ना, कोई भी काम की, उसको कला बोलते हैं। तो जो कला है ना वो हर किसी के पास नहीं होती है, जिसके पास कला होती है उसकी कमियों को सिर्फ निकालते ना रहे जबकि आपको उस बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, ठीक है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं, 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। बीरबल ने क्या किया, दिमाग अपना दौड़ाया और बाजी को क्या है अलग तरीके से पलटा। उन्होंने बोला कि अच्छा ये सेठ बहुत तेज है, ये अपने चेहरे बदलकर ये चित्रकार को ठग रहा है ना, तो अभी मैं इसको बोलते ना इसकी अक्कल ठिकाने लेकर आता हूँ, इसका चेहरा जो ये निपुण है ना, इसका चेहरा जो हकीकत चेहरा सबके सामने लाता हूँ। बोलते ठीक है तुम 3 दिन बाद आना और इनका हूबहू चित्र बनाकर लाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। तो उसको लगता है कि अरे ये तो मेरे फेवर में जा रहा है, चित्रकार को लगता है कि अरे बीरबल ने उसको बोला है, 3 दिन का टाइम दिया और फिर से बोला है, तो ये क्या हो गया, मेरे इनको भी समझ में आ गया कि ये जो इसने पहले जो ड्राइंग्स बनाई थी, मेरी जो चित्र बनाए थे वो अच्छे नहीं है, इसलिए तो 3 दिन का समय दिया है। इसलिए बोलते हैं बेटा कि कब कौन कहाँ बाजी पलट रहा है, तो दिमाग से समझो, कभी कभी कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं होती हैं
लेकिन अंदर से वो आपके फेवर में होती है, आप उसमें उल्टा आप बोलते हैं ना सोच के उस चीज को अपने अपोजिट कर देते हो। ठीक है, सेठ घर चला गया, बीरबल ने चित्रकार से कहा 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। सेठ तो ये बात खुश होकर निकल लिया कि अरे फिर से ड्राइंग बनेगा मेरी, लेकिन उन्होंने चित्रकार को क्या कहा, बीरबल ने आप क्या करना 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण, दर्पण मतलब मिरर लेकर, आईना हिंदी में जिसको हम बोलते हैं दर्पण का समान अर्थी बोलोगे तो, लेकर उपस्थित हो जाना। तुम साथ में क्या लेके आना, एक बड़ा सा आईना, बड़ा सा मिरर लेके 3 दिन बाद इधर आ जाना। लेकिन सबके सामने क्या बोला था कि तुम क्या करो ड्राइंग करो, लेकिन जब सेठ चला गया तो उसको बोला कि आप क्या करो एक बड़ा सा मिरर लेकर आ जाओ। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तुम्हारा ही रूप है या नहीं? ठीक है, अब जब वो चित्रकार जब वो बड़ा सा लेके आया और वो सेठ भी वहां पे आया, तो सेठ को ऐसा है ना कि अभी मेरे को चित्र पेपर में ड्राइंग दिखेगी जो उसकी करी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये समझो ये सेठ है, ठीक है, और ये आईना है, ऐसे ये आईना है उसको ऐसे दिखाया, तो यहाँ पे आप भी अगर मुझे देखोगे, आप अपने आप को आईने में देखोगे तो आप ही दिखोगे। तो उसने आईने में अपने आप को देखा सेठ ने, तो ये होता है कि अरे ये रहा आपका चित्र, यानी आप सामने ही दिख रहे हो आईने के, तो वो बोलता है ये जो आप मैं दिख रहा हूँ ये तो आईना है, तुमने क्या बनाया है? बीरबल ने, नहीं ये तो असली चित्र है। तो वो बोलता है चित्रकार, नहीं वो बोलता नहीं आईना नहीं है, नहीं मतलब ये आईना नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कि उन्होंने पूरी डिटेल में नहीं लिखा है, उन्होंने सेंटेंस भी दिया, नहीं वो बोलता है ये आईना है, वो बोलता है नहीं यही तो असली चित्र है, यानी यही तो असली चित्र है जो तुम इसके अंदर दिख रहे हो। बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये तुम्हारा ही रूप है या नहीं? तो बीरबल ने बोला, बताओ ये जो प्रतिबिंब इसके अंदर दिख रहा है, जो तुम अपने आप अपनी छाया देख रहे हो, अपने आप को आईने में देख रहे हो, ये तुम खुद हो या नहीं हो? सेठ बोला, जी हाँ अपने प्रतिबिंब अपनी छाया, हम अपने आप को आईने में देखेंगे तो हम बोल देंगे कि मेरे भाई की छाया, मेरी मामी की छाया है, मेरे रिश्तेदार, हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं ना। तो वो बोलता है जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया, है ना। इसमें अभी आपको समझना क्या है कि जब उसने अपने आप को आईने में देखा, बीरबल ने दिमाग लगाया कि इसको चित्र बना के कितना भी देंगे ये इसमें नुक्स निकालता रहेगा, इसीलिए ये चेहरे बदलने में निपुण है, तो ये जितना भी चेहरा बदलता है वो किस में पता चलेगा, आईने में पता चलेगा। इसलिए सबके सामने दरबार में वो आईना रखा, उसको बोला तू अपने आईने में देख, अब ये तू खुद है ना, तो तेरे लिए दर्पण का ही काम है, तुझे चित्रकार की जरूरत नहीं है। तो जितने भी तूने चित्र बनाया, जितनी बार भी तूने चेहरा बदला, तू चेहरे बदलता रहेगा, तो चित्रकार की भी पेंसिल चेंज होगी, तो उसको अपनी गलती एहसास होगी, उसे शर्म आगी, उसकी जो मेहनताना था चित्रकार का उसे देना पड़ा। किसकी वजह से? बीरबल की चतुराई की वजह से। और साथ में थैंक्स किसको जाता है? अकबर को जाता है, जिन्होंने ये केस, ये जो प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी, बीरबल के हाथों में सौंपी। तो इसलिए बोलते हैं जब हर किसी चीज का कोई सोल्यूशन होता है ना, तो जो मेन सोल्यूशन का रहता है लोग उसी को थैंक्स देने चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक चेन होती है, जैसे बोलते हैं ना बच्चा पढ़ के आता है तो उसके पीछे क्या होता है, स्कूल वालों का तो अलग होता है, 10th में देखो रिजल्ट आता है तो कैसे वो बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है ना, हमारे स्कूल से फर्स्ट आया है, ठीक है, बाकी वो क्या करते हैं उसके बारे में अलग बात है, ठीक है। टीचर्स अपना थैंक्स करती हैं, पेरेंट्स अपना करते हैं, जहाँ वो ट्यूशन जाते हैं वहाँ थैंक्स अलग होता है, जिस भगवान को वो लोग मानते हैं, जहाँ मन्नत ली थी वहाँ वो नारियल पेड़े जो चढ़ाते हैं वो अलग, यानी किसी एक सफलता के पीछे ना बहुत लोगों का हाथ होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बच्चे ने पढ़ा बच्चे ही फर्स्ट आया, वो तो उसने मेहनत करी, उसने कर्म किया, इसलिए बच्चे की ही फोटो है, लेकिन पीछे बहुत सारी चेंज जुड़ी हुई है। इसमें भी अकबर को भी थैंक्स जाता है, और दूसरा थैंक्स किसको जाता है? वाइफ को, जिसने बोला था कि आप किसके पास जाओ, अकबर के पास जाओ, आपको न्याय मिलेगा। तो ऐसे ही होता है, जब समस्या बहुत बड़ी होती है उसका हल मिल जाता है, तो सामने जिसने हल समस्या का हल दिया होता है लोग उसी को थैंक्स करते हैं। लेकिन याद रखना है, जिसने आपको समस्या का हल दिया है ना उसको भी थैंक्स जरूर बोलना है। पीछे की चेन से फिर से जाओ, देखो आपको उस दौर में, मुश्किल के दौर में किस किस ने आपकी मदद की थी, सबको मदद उतनी बोलते ना जितनी की है उन्होंने, उतना थैंक्स उनको जरूर दो। चित्रकार सभी को ध्यान धन्यवाद देकर चला गया, और वो क्या करता, धन्यवाद दे देगा ना और क्या करेगा। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। देखो बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर खुश हुए, ये ऐसी तो हर किसी को प्राउड होता है ना। देखो मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है कि कोई भी आदमी जब कोई बिजनेस चलाता है, जब अपने नीचे किसी को अपॉइंट करता है ना, तो वो यही करता है कि समझदार हो, क्योंकि एक समझदार इंसान की वजह से उसका भी नाम होता है, उसके बोलते ना कंपनी का नाम होता है। तो बीरबल अकबर जो भी ये जो बादशाह थे अकबर, वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि बीरबल उन्हीं के यहाँ पे से 9 रत्नों में से एक है ना, जब 9 रत्न में से एक रत्न ने बहुत अच्छा काम किया तो उनके भी दरबार में जब न्याय हुआ तो उनका भी तो नाम सब तरफ रोशन होगा ना। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। दूध का दूध और पानी का पानी मतलब सच का सच और झूठ का झूठ, यानी अब हमारी कोई समस्या हो तो हम तो बीरबल को नहीं बुला सकते, है ना,
और तो इसीलिए कैसा है, हम में से भी कोई अकबर है, कोई जैसे इसमें सेठ की पत्नी है, हमको कोई रास्ता दिखाता है कि आप वहां चले जाओ, वहां बात करो, ऐसे करो, तो इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको समस्या का हल निकालना है। तो अगर आप इसे शांत बैठे रहोगे, सिर्फ भगवान भरोसे छोड़ दोगे तो नहीं होगा। भगवान का भी कहना यही है कि आप कर्म तो करो, सफलता आपको मिल जाएगी, सिर्फ आप घर बैठे सोचोगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।